हेलो हाँ जी जी सर, मुझको रेंडर साहब द्वारा पिछले 3 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी जी रेंडर साहब, मेरी गलती कुछ नहीं है, बस मुझ पर किसी बात पर चिढ़ है उनको, ये पता नहीं। मैंने हमेशा उनकी रिक्वेस्ट करी है, हमेशा हाथ पैर भी जोड़े हैं उनके वक्त सामने कई बार में। सर कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप मुझे पसंद नहीं करने तो आप देवों साहब को पत्र लिख दीजिए कि मैं इस लड़के को अपने साथ नहीं करना चाहता। तो मेरा ट्रांसफर करा दीजिए आप। सुरेंद्र साहब ने कहा कि ना तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ और ना तुम्हारा होने दूँ, और तुम कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें रिलीव नहीं करूँगा यहाँ से। तो मैं तुझे ऐसा करूंगा यहाँ से कि तुझे मैं यहाँ से भगाऊंगा, तुझे ऐसा करके छोड़ूंगा कि तू जिंदगी में याद रखेगा कि तुझे मैं यहाँ से कुछ लेके भेजूंगा, तुझे कुछ लेके भेजूंगा यहाँ से। तो मेरे खिलाफ गलत गलत केस में नाम दर्ज कर रहे हैं, गलत गलत केसों में मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरे नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कसम खा रखी है कि मैं तुम्हें जो है बर्खास्त करा के छोड़ूंगा, तुम्हें सस्पेंड करा के छोड़ूंगा, तुम्हें जेल भेज के छोड़ूंगा। नहीं तो एक बात बताया, आपने कुछ नहीं सर, नहीं आपने किसी से कोई शिकायत भी नहीं की? जी मैंने अब से 2 महीने पहले सर SDO साहब से शिकायत करी थी इनकी। किससे? SDO साहब से। अच्छा, SDO साहब से मैंने शिकायत करी थी, SDO साहब ने जो है मेरी शिकायत पर फोन करा था रेंजर साहब को। इनको बोला रेंजर साहब ने, जो भी बात SDO साहब की रेंजर साहब की हुई तो फिर उस बीच में इन्होंने सामने मुझको बुलाया, सामने बुला के फिर उन्होंने जो है मुझसे फिर गलत लैंग्वेज के साथ में इन्होंने व्यवहार किया। बोले कि मैं और कि मैं असली रेंजर हूँ, मेरा लिखा हुआ कहीं चलेगा, आदेश कोई नहीं टाल सकता, चाहे DFO हो SDO हो, किसी का भी सोर्स डलवा लो कि रेंजर का आदेश पत्थर की लकीर है, कि रेंजर का आदेश रेंजर ही काट सकता है, अन्य कोई नहीं काट सकता। तुम में जितनी पावर हो तुम यूज कर लो, मैं तुम्हें जेल भेज के छोड़ूंगा। मैंने सर से कहा, मैंने आप एक सर आप मेरी गलती तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है, आप मेरे पीछे सर किस बात को पड़ा है, आप मेरी गलती बता दीजिए, मैं गुनाहगार हूँ तो आप मुझ पर कार्रवाई करिए सर, किसी भी केस में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो इस चीज को लेकर सर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। मैंने रेंजर साहब से कई बार विनती करी DFO साहब से मिलने के लिए, मैंने कई बार इनको एप्लीकेशन में लिखी DFO साहब से मिलने के लिए, ये एप्लीकेशन हमारी जो है एक्सेप्ट नहीं करते, इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो आ जाते हैं। तो SDM साहब को SDO साहब से फहीम जी आपने दोबारा नहीं कहा कुछ? जी SDO साहब से मैंने दोबारा भी कहा था, SDO साहब ने फिर दोबारा भी उनसे कहा था। तो करीब नहीं उसके बाद आपने अफली साहब नवीन खंडे अंबांगी से कुछ नहीं कहा? जी सर उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई मेरी, उन्होंने रेंजर साहब ने मुझे इतना टॉर्चर कर रखा, इतना जो है मुझे ब्लैकमेल कर रखा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हें DFO साहब से नहीं मिलने दूंगा, इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं जा नहीं पाया। एक दिन में बिना बताए चुपके से चला गया सर DFO साहब से मिलने के लिए पूरी दी, अब से 1.5 महीना पहले। इनका रेंजर साहब का पूरा नाम क्या है? जी इनका है विष्णु कुमार गुप्ता। जी ये देवरिया में कब से है? ये सर देवरिया में है, ये जनवरी में आए सर यहाँ पर। जनवरी में आए थे? जी सर। फरवरी में इन्होंने कटान कहा दिया था जंगम। जी 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 इनके आने के 1 महीने बाद ही कटान हुआ। ठीक जी। चलो किसी अधिकारी से अफली से बात करके देखो ना एक बार। जी मेरे सर इन्होंने परमिशन ही नहीं दी मुझे, इन्होंने जो इतने ब्लैकमेल कर रखा, मैं बिना बताए पिछले 1.5 महीने पहले चला गया था, इन्होंने मेरे पास फोन कराया कि अगर तुम DFO से मिल लिए तो मैं तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा, तुम्हारी जो है करेक्टर रोल तुम्हारा गलत साबित कर दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा। कैसी बात करते हो यार। तो सर मैं वापसी लौट कर आ गया था, मैं गेट पर से DFO साहब के वहाँ से मैं वापसी लौट कर आ गया। कोई काम एक दिन बहाना बनाओ, ईमानी बीमानी का कोई दिखा के चले जाओ। नहीं जाने दिया सर, इन्होंने परमिशन नहीं दी, मैंने बहुत एप्लीकेशन लिखी, बहुत इनके सर की रिक्वेस्ट करी, पिछले 3 महीने से रिक्वेस्ट कर दबा रहा, इन्होंने एक बार भी मुझे इजाजत नहीं दी वहाँ जाने की। कल मैं DFO साहब से मिलने गया, इनसे बता कर गया रेंजर साहब से, तो इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिख के जाना,
मैं एप्लीकेशन लिख के गया ऑफिस में, ऑफिस में एप्लीकेशन देखा तो इन्होंने वो रिजेक्ट कर दी सामने, फिर इन्होंने मुझे गाली वाली दी सर। आज क्या हुआ? सर वो डीएफओ साहब आ रहे हैं, मेरा डीएफओ साहब बुला रहे हैं, डीएफओ साहब आ गए हैं यहाँ पर, डीएफओ साहब बुला रहे हैं मुझको। कहाँ देऊं या देऊं या? जी सर। अच्छा तो हमें आप फोन करके इसी नंबर पे बता देना। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।